अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 1, 2, 3 पेपर बी चैप्टर नंबर 12 द स्ट्रेट लाइन नेशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन। इसमें हमने इसकी मसावाद मालूम करनी है या बनानी है ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट। पॉइंट में देखें, हमें एक एक्स दिया हुआ है, वो एक्स वन है, कितना है 3। एक्स टू तो नहीं है, वाई टू दिया हुआ है, वो कितना है माइनस में 2। और स्लोप हमारे पास है 3/4। और जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो होती है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन। इस फॉर्म को आपने याद रखना है। इसमें ही आप पुट करते हुए देखिए, मसावाद हमेशा इक्वेशन जो होती है ना, इक्वेशन वो एक्स और वाई की शक्ल में होती है। तो वाई तो नहीं होगा, हमारे पास वाई वन की वैल्यू मौजूद है माइनस में 2 इज इक्वल टू, स्लोप ही हमारे पास है 3/4। और इसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यूज में एक्स कितना है, तो नहीं है, एक्स वन मौजूद है 3। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो 4 यहाँ पर आएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाई माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो ब्रैकेट ही रहने देते, सिंपल ब्रैकेट। ठीक है, 4 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इधर 3 जो है ना इंटू एक्स माइनस 3 आ गया। आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, सो 4y हो गया प्लस 4 to the 8 एंड इक्वल टू 3x माइनस 3 3 9। अब एक काम करना है कि x एक जगह पर, y एक जगह पर रखनी है, तो x हमेशा पहला होता है, तो इसलिए हम एक काम करते हैं, 8 इधर रहने देते हैं, माइनस वाला जो 9 है वो इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये 3x इधर ही रहने देते हैं, 4y को उधर जाके 4y माइनस में लिख लेते हैं। ठीक है, और ये भी बल्कि हमने ना असल में है क्या कि ये सारी चीजें एक जगह पर ही भेजनी है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इक्वेशन में ये कितने हो जाएंगे 8 और 16 प्लस 1 17 इज इक्वल टू 3x माइनस 4y है। हालांकि इसने भी उधर ही चला जाना था, तो ये जीरो करते हुए 3x माइनस 4y और माइनस में 17 हो जाना है। और इसको चूंकि आप इस तरह लिख सकते हैं कि 3x माइनस 4y माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुके। ठीक हो गया, तो इसको अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।